Hello, welcome to my art and craft class, and today you will learn photo montage. MONTAGE photo montage. ये पहली बार तुम सुन रहे होगे photo montage, क्योंकि इसके पहले class 6 से लेकर के 9 तक में तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है और ऐसा कोई भी हमसे सुना नहीं होगा photo montage होता क्या है. फोटो मॉन्टेज देखे होंगे, कई बार डिस्प्ले में मैंने लगाया भी है फोटो मॉन्टेज, तो देखे होंगे और ये जब देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही फोटो मॉन्टेज है. फोटो मॉन्टेज जस्ट लाइक ए कोलाज, पर कोलाज में हम क्या करते हैं कि अगर हमको एक विलेज सीन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम कलर सेलेक्ट करेंगे, मैगजीन डिफरेंट मैगजीन से कलर सेलेक्ट करेंगे और हम शेड के हिसाब से कलर वो पेपर कलेक्ट करके और उसको फाड़ फाड़ के हम लगाते जाते हैं फिगर के ऊपर में, ड्राइंग के अपने ड्राइंग के ऊपर में, तो वो कोलाज हो जाता है. पर फोटो मॉन्टेज में क्या है कि हम मैगजीन का यूज करेंगे और मैगजीन से कोई भी एक वर्क, कोई भी एक फोटो जो तुमको मैगजीन उलटना होगा और तुमको देखना, पुराना कोई भी मैगजीन घर में पुराना पड़ा हुआ कोई भी मैगजीन ले लो और मैगजीन लेकर के उसमें जो पिक्चर है उस पिक्चर को तुमको काट के लगाना है. मेरे पास यहाँ पे 3 मैगजीन है, हम एक बार चेक करते हैं किस मैगजीन में क्या मिल सकता है जो हमारे काम आ सकता है, जो कुछ कर सकते हैं. एक बार देखते हैं, एक पिक्चर तो हमको मिला है यहाँ पे जिसको हम कुछ यूज कर सकते हैं. इसको साइड रखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर मिला है. एक दूसरी मैगजीन भी है, उसको भी देख लेते हैं, जब है तो देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या मिल सकता है. यहाँ भी एक पिक्चर हमको मिला, अच्छा, पर यहाँ पे एक अच्छा पिक्चर मिला जो थोड़ा सा इजी भी होगा, तो ये हम निकालते हैं, लोटस है ये. चलो ये निकालते हैं, ये पेज निकाल लेते हैं, बाकी रख देते हैं. सीजर ये हम इसको देख रहे होंगे, ये लोटस का है, लोटस है ये. इसको हम निकालते हैं,
सावधानी से इसको हम कटिंग कर लेते हैं। पर एक्स्ट्रा वाला जो है वो निकाल लेते हैं, तो क्या होगा हमको अच्छा से कटिंग मिल जाएगा। चुका है, 2 मिनट और लगेगा आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसलिए टाइम लग रहा है, पर आप कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपका इमेजिनेशन पावर आपका डेवलप करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करेगा आपका, आप कुछ नई चीज को एक्सप्लोर कर पाइएगा। ये मैंने काट लिया है लोटस को, देख रहे होगे। ये जो वेस्टेज है इसको साइड कर देते हैं पहले 1 मिनट। अब ये लोटस हमारा कट गया है, हम ये पेज को काटना नहीं चाह रहे थे, नहीं हाँ काट सकते, काटना नहीं चाह रहे थे इस पेज को, लेकिन इसमें पीछे कुछ प्रिंट किया हुआ है, इसका जो व्हाइट स्पेस है वो डिस्टर्ब करेगा आपको, इसीलिए हमने इसको काट लिया। और इसको प्लेस कर देंगे हम, कहीं पे प्लेस कर दे रहे हैं हम, यहां पे इसको प्लेस कर दे रहे हैं। ये जगह ज्यादा सुटेबल लग रहा है, सही लग रहा है, इसमें फेविकॉल लगा ले, फेविकॉल बैक साइड में फेविकॉल लगा लेते हैं।
ये मेरा नोजल जो है ना, ये जाम हो गया है, इसलिए हमको ऐसे निकालना पड़ रहा है फेविकॉल को। चिपका ले रहे हैं, उसका एक स्टेम टूट गया था, उसको भी चिपका ले रहे हैं। ये मैंने ये लोटस को चिपका लिया है इस पेपर पे, ये तो लोटस चिपक गया हमारा। अब ये लोटस लेकर के एक कंपोजिशन हमको तैयार करना है। आप कोई भी पिक्चर, आप कुछ भी आप चिपका सकते हैं, बट कंपोजिशन जो है उसका खुद का तैयार करना हो। ये लोटस हमने यहाँ पे लिया है, तो इसको लोटस फॉन्ट बना देते हैं। इसको क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन देते हैं यहाँ पे, पीछे ऐसे बुशेस कर देते हैं। यहाँ पे एक हम कुछ भी बना सकते हैं, चलो एक माउंटेन बना लेते हैं। माउंटेन बना लिए, इधर ऊपर से हम इसमें लीफ भी बना ले रहे हैं, लोटस लीफ कर ले रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे लोटस कर ले रहे हैं, लोटस बर्ड बना ले रहे हैं। लोटस फ्रूट कर ले रहे हैं, लोटस पॉन्ड है, इसमें तो बहुत चीज हो सकता है। एक थोड़ा सा वो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ लोटस लीफ शेप, ये फ्लोटिंग लोटस लीफ है, और ये थोड़ा बाहर की तरफ ऐसा निकला हुआ लोटस लीफ है, ये हमने कंपोज कर लिया है ड्राइंग। देख रहे होंगे यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन दे करके ये पूरा पानी बना दिए, यहाँ पे लोटस लीफ दे दिए, बर्ड बना दिए लोटस बर्ड बना दिए, फ्रूट्स बना दिए लोटस का, एक ये फुल फ्लोटिंग लीफ है, और ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ लीफ है। यहाँ बैकग्राउंड में माउंटेन थोड़ा कर दिए, बुशेस कर दिए, और एक ऊपर से ऐसे पेड़ आ रहा है, एक ब्रांच जो है वो आ रहा है। अब ये हमारा चिपका हुआ चीज है, इसके अकॉर्डिंग हमको पूरा पेंटिंग इस पे करना है।
यानी पेंटिंग प्लस कोलाज। पेंटिंग के साथ कोलाज करना है, मतलब आप कोई भी पिक्चर काट करके आप चिपका दीजिएगा, चिपकाने के बाद उसके बाद आप उसमें ड्राइंग करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने ड्राइंग करके उसके बाद उसको वाटर कलर से ये काम करना है। इसी को बोला जाता है फोटो मॉन्टेज। वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब मजेदार चीज है। सबसे अच्छा आप पिक्चर पहले आप मैगजीन कलेक्ट कीजिए, आप एक दो मैगजीन कलेक्ट कर लीजिए, उसमें से कोई ना कोई पिक्चर आपको जरूर मिल जाएगा। आप उस पिक्चर को काट करके आप फोटो मॉन्टेज तैयार कर सकते हैं, इस तरह से फोटो मॉन्टेज तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे फोटो मॉन्टेज क्या है और कैसे काम करते हैं। कलर करने के लिए इसमें हमने कुछ भी आपको नहीं बताया है, क्योंकि कलर क्लास 10 है और सब तुम जानते हो कि स्काई का कलर कैसे करते हैं, कैसे लाइट शेड देते हैं, माउंटेन का क्या करते हैं, क्योंकि तुम सब क्लास 6 से कर रहे हो ये काम। तो ये कलर करने के लिए हमने इसको नहीं बताया, जस्ट कंपोजिशन बताया है और कलरिंग जो है, कलरिंग पार्ट जो है वो आपको खुद ही अपने से अपने आप जैसे करते हैं वैसे ही आप कलरिंग पार्ट आप कीजिएगा। तो आप अपना वर्क रेडी रखिए, क्योंकि जनवरी मंथ में आपसे वर्क आपसे लिया जाएगा। जो भी हाफ ईयरली के पहले का जो भी काम कराया गया है, जो भी वीडियो दिखाया गया है, आप एक बार फिर से देखिए, और जो भी काम आपसे कराया गया है उस काम को आप फिर से कीजिए, फिर से नहीं कीजिए मतलब उसको कंप्लीट कीजिए। और अभी जो भी 2 क्लास या 3 क्लास जो भी आपका होता है उसमें अलग अलग वीडियो आपका जाएगा, तो उसमें जो काम कराया जाएगा आप वो काम कीजिए। और ये सारे वर्क को आप एक जगह प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि आपको एज ए PDF आपको ये वर्क हमको जमा करना है ग्रुप में। क्लास 10 का आर्ट एंड क्राफ्ट का एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको जमा करना है। समझ गए? ये एकदम क्लियर है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको अच्छा मार्क्स आपको देना है। अच्छा मार्क्स सभी को चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपका ग्रेडिंग होगा और वही ग्रेडिंग जो है आपके सर्टिफिकेट पे, जो बोर्ड का CBSE का सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट पे वही ग्रेडिंग आपका रहेगा। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो भी काम सिखाया गया है आप सब काम कर चुके होंगे पहले वाला, और अभी जो नया काम सिखाया जा रहा है आप इसको भी आप कीजिएगा, उतने ही इंटरेस्ट लेकर के इसको भी आप कीजिएगा। अगले क्लास में कुछ नई चीज लेके आपके साथ आएंगे, कुछ नई बातें लेके आएंगे आपके साथ आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।